सरकार से हल भी नहीं हुआ था कि अब आढ़ती भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अंबाला की अनाज मंडी में आज से आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आढ़ती सरकार के खिलाफ हड़ताल पर उस समय बैठे हैं जब हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की फसल की आवक शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में ना तो फसल की भराई होगी और ना ही उसका उठान किया जाएगा। आढ़तियों ने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार उनकी मुख्य मांगों को नहीं मानेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की खबर से सरकार ने रातों रात डिपो होल्डरों को आढ़ती के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि वो सरकार द्वारा किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पॉलिसी के खिलाफ है क्योंकि सरकार की इस पॉलिसी से आढ़ती और किसान दोनों को नुकसान है। उन्होंने बताया कि जो किसान अपने खाते में डायरेक्ट पेमेंट चाहता है उसे सरकार डायरेक्ट पेमेंट दे, लेकिन अगर कोई किसान आढ़ती के जरिए पेमेंट चाहता है तो उसके साथ सरकार जोर जबरदस्ती ना करे। आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो मंडी में आई फसल की ना तो भराई करेंगे और ना ही उठान करेंगे। उधर आढ़तियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की वजह से मंडी में काम करने आए मजदूरों को खाली हाथ बैठना पड़ रहा है। मजदूर रामदयाल और सकलदेव मुखिया का कहना है कि वो इतनी दूर से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे लेकिन आढ़तियों के हड़ताल पर बैठने की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं बचा। मजदूरों ने बताया कि अनाज मंडी में कोई काम ना होने की वजह से उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या नहीं। वहीं आढ़तियों की हड़ताल को लेकर मार्केट कमेटी सुपरवाइजर ने बताया कि उनके नोटिस में अभी किसी तरह की हड़ताल नहीं आई है और मंडी में काम बहुत सही चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह से किसानों के गेट पास भी काटे जा रहे हैं और गेहूं की बोली भी लगाई जाएगी। रातों रात सरकार द्वारा डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी करने पर अधिकारी ने बताया कि उन्हें पता लगा था कि आढ़ती हड़ताल पर जा रहे हैं तो सरकार के जो आदेश आए उस पर उन्होंने डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी किए। कमेटी सुपरवाइजर ने बताया कि उन्हें कल सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे कि डिपो होल्डरों को आढ़ती के लिए लाइसेंस जारी करने हैं तो उन्होंने रात 12 डिपो है बैंक से उसने आढ़ती से पैसे ले रखे हैं, उसने बैंक से अपनी जमीन पे लिमिट बनवा रखी है। मान लो एक किसान ने 5 लाख की लिमिट बनवा रखी है और वो 5 लाख की लिमिट उसकी होगी, जब आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे उसकी फसल 3 लाख की हुई है 5 की बजाय, वो 3 लाख रुपए उसकी उसमें चले जाएंगे लिमिट में। जब तक वो 5 लाख पूरे नहीं करेगा तो उसकी लिमिट चालू नहीं होगी, वो 3 लाख रुपए उसके ख़त्म हो गए। अब वो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ से पैसे ले आएगा, कैसे वो अपनी लिमिट चालू करेगा? तो इसके लिए मेरी सीएम साहब से भी परसों बात हुई थी जब हमारी 5 तारीख की रात को, वहाँ इससे नुकसान है किसान को भी बैंक को भी। जब आप पेमेंट करेंगे किसान के कहने से भी हम आढ़ती के थ्रू लेंगे तो उन्होंने वो आढ़ती से के पास पैसे आएंगे 4 किसानों के आगे या 10 के आगे, वो पैसे उठा के उसको 5 लाख रुपये और बैंक का ब्याज दे देगा। बैंक का ब्याज भरा गया और उसकी लिमिट भरी गई, किसान दोबारा वहाँ से निकाल के और आढ़ती को वापस कर देगा। बैंक का भी फायदा हो गया, बैंक सरकार के हैं, आढ़ती का भी फायदा हो गया और किसान का भी फायदा हो गया। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? किसान जब कहता भी मैं आढ़ती के थ्रू लेंगे, आप डायरेक्ट क्यों देना चाहते हो? दूसरी बात हमारी ये थी कि इन्होंने ये कर दिया था कि भाई जो किसान कनक लेके आता है ना गेहूँ, तो उसमें लेबर उसकी ट्राली उतारती है, फिर उसके पक्खा लगाती है। जो ये पैसे हैं ना 10 रुपये कुछ पैसे हैं क्विंटल के, 56 पैसे या कुछ ऐसा, तो उसमें किसान के खाते में से ये पैसे कटते हैं। अब किसान तो बेच के चला गया, पर्चा कट गया उसका, लेकिन पैसे उसकी जेब में नहीं। मान लो वो 200 क्विंटल बेच गया, उसके 2100-2200 रुपये बने, तो वो पैसे लेबर को चाहिए, लेबर को पैसे कौन देगा? किसान के पैसे आढ़ती पे तो आए नहीं और वो पैसे सरकार सीधी पेमेंट कर रही है, तो वो पैसे बताओ कौन देगा? तो लेबर क्यों काम करेगी जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे? तो सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं किया भी पैसे कहाँ से जाएंगे वो, क्योंकि पहले तो हम जे फार्म में लगाते थे, सरकार वो काट के उससे कट जाते थे क्योंकि पेमेंट हमारे पास आती थी। तो इसलिए अब ये दिक्कतें जो है दो, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक हमारा बकाया रह रहा है काफ़ी कई एजेंसियों पे, भाई वो बकाया दिया जाए। तो प्रधान जी अब कितने समय के लिए? भाई ये समय नहीं होता, हड़ताल का क्या समय? अभी मतलब बैठे हैं, सरकार बात करेगी। तो हमारी छोटी सी मांग है, कोई खास बात नहीं है। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखी है किसान को भी, आप किसके थ्रू लेंगे? हम तो उस पर कहते हैं भाई आप ऑप्शन पर चलो, आप अपनी बात क्यों थोपते हो हमारे ऊपर?
तब तक फसल की खरीद की किसान? नहीं, फसल की खरीद नहीं की जाएगी, जो तब तक हम काम नहीं करेंगे, ना हम तोलेंगे ना हम भरेंगे, कोई काम नहीं करेंगे आरती जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और हम हड़ताल जी, आपका सतविंदर सिंह। सतविंदर जी, हड़ताल आप लोगों ने शुरू कर दी है, किस तरह से अब हड़ताल में कार्रवाई रहेगी, क्या डिमांड? जब तक सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानेगी तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। जो हमारे पर प्रधान जी के आदेश आएंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। जब तक सरकार ये अपना काम ठीक नहीं करेगी हम कोई काम नहीं करेंगे। मंडी में फसल लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, फसल तो जिम्मेदार की कटाई शुरू हो चुकी है पूरी तरह से, और मतलब आएगी मंडी में अनाज तो भराई करेंगे, उठाई करेंगे? नहीं, ना भराई करेंगे ना उठाई करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।